चीकू, ओरे चीकू। हेलो। हाँ बुआ। एक काम कर, लखन हलवाई के से 1 किलो इमरती ले आ। हम एकदम रेडी है। और सुन, ताजी लाइयो, कहीं कल की बासी ले आए। आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे? फिर से लड़के वाले आ रहे हैं क्या? आ तो रहे हैं। अब है यार, अब सुबह सुबह नहाना पड़ेगा। जी जी। तारा, कितनी देर सोएगी? लड़के वालों ने देख ली तो सोचेंगे लड़की 11-11 बजे तक सोती है। ओके जी, ओके जी। कहाँ जा रही है तू? ऑफिस। और लड़के वाले आ रहे हैं जो तुझे देखने? तो मैं क्या कोई 1.5 साल से बन रही सूर्यवंशी पिक्चर हूँ जो सह परिवार मेरे को देखने आ रहे हैं? आप मिल लो, पसंद आए तो मुझे बता देना, नहीं पसंद आए तो इमरती खिला के वापस भेज देना। वैसे भी आपका लड़का देखने का स्टाइल मुझे तो समझ आता नहीं है। हर बार कोई नया नमूना बुला के मुझे शोपीस की तरह बिठा देते हो। ठीक है तो जा। वैसे भी लड़का देखना तो जरूरी नहीं है ना, 25 की हो गई है ना, ब्याह करना जरूरी है ना लड़का देखना जरूरी है। हम ही पागल थे जो ब्याह करके हमने तुझे पैदा कर दिया। कितने सपने थे तेरे पापा के तेरे ब्याह के, वो चले गए, उनके सपने भी पूरे नहीं होंगे क्या? ठीक है, ना हो तो ना सही, मैं ही पागल हूँ जो 5 बजे उठ के समोसे बनाने में लगी हूँ और एक दिन समोसे बनाते बनाते ही मर जाऊंगी मैं। तो किसने बोला था सुबह 5 बजे उठ के समोसे बनाने को? हलवाई से मंगा लेती इमरती की तरह। बीए करी जी मैंने, बीए इन पॉलिटिकल साइंस। पहाड़गंज में 1.5 करोड़ का बिजनेस हमारा। और इतना नहीं जी, यमुना बिहार में 250 गज की कोठी है हमारी, एक अलग से प्लॉट है गाय भैंसों के लिए, फॉर प्योर देसी घी एंड प्योर मिल्क। हमारी तारा ने भी सीए कर रखी है जी। ओ जी, पढ़ाई का क्या, सीए कर रखी हो या डीए, ब्याह के बाद तो राज करेगी। नंबरदार की बहू है, बाहर जाके काम थोड़ी करेगी। इकलौता लड़का है हमारा, ठाट से रहेगी। कितने नौकर है आपके घर में आंटी? नौकर? हाँ हाँ, घर का काम करने के लिए। नौकर की क्या जरूरत है बेटा, घर का काम तो हम खुद से करते हैं। अच्छा तो आंटी, आप सैलरी कितनी लेते हो? सैलरी? कैसी सैलरी? घर पे राज करने के लिए। अब आंटी घर का सारा काम करती हैं तो सैलरी तो लेती होंगी ना? अपने घर का काम करने के लिए कैसी सैलरी? अच्छा आप नहीं लेते, चलो कोई बात नहीं। देखो आंटी, आप नहीं लेते लेकिन मैं तो लूंगी। अब मैं अपनी फुल टाइम जॉब छोड़कर आपके घर का सारा काम करूंगी तो सैलरी तो बनती है ना? तो हम स्टार्टिंग अमाउंट डिस्कस कर लेते हैं, आप 80 पर मंथ दे पाएंगे? 80,000? देखिए इससे कम में तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहां पर तो मुझे इतना मिल रहा है। अब हमारी मैरिज हो रही है तो थोड़ा डिस्काउंट कर लेते हैं, 75 तक कर लेते हैं। मैं जी कुछ समझ नहीं पा रहा आपकी बात। ये भी ज्यादा है? देखिए इससे कम में तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक सलूशन है। शारदा। हाँ दीदी। इससे मिलिए, ये शारदा है, 10 साल से हमारे घर का सारा काम कर रही है। 5,000 रुपए में आपको झाड़ू पोछा बर्तन सब करके देगी, और सबसे बढ़िया बात बताऊं, आपको इससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। ओके। हर बार एक नया कार्टून, आज वाला तो और भी गया गुजरा था। 2021 में इन्हें फुल टाइम हाउसवाइफ चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता मेरी बारी आते ही दुनिया के सारे अच्छे लड़के कहाँ गायब हो गए हैं। ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो है नहीं मेरी। पलक आ गई। कहीं आना बाकी रह गया था क्या? अभी तो इसने लीव ली थी, इतनी जल्दी चूड़ा है नॉन, भाग के शादी करी है क्या? पर ये क्यों भाग के शादी करेगी? इसको लड़का मिल तो गया था। मेरा मतलब था लिटरली भाग के। हैं? अरे मंडप में भाग के।
छोड़या। हाय फलक। चला। नाइस ना, अभी तो वेडिंग की लीव ली थी, इतनी जल्दी हनीमून की लीव थोड़ी ले सकते थे, इसलिए मैंने सोचा मैं फिर से ऑफिस आ जाती हूँ थोड़ा वर्कलोड घटाने। मोलक शो ऑफ करने। तो कैसा रहा सब? एवरीथिंग वेंट गुड? ओवियो ओवियो, मम्मी जी तो कह रही थी कि इतनी जल्दी वापस आने की क्या जरूरत है, फिर मैंने उन्हें समझा दिया। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि हमारे ग्रुप में सबसे पहले मेरी शादी हुई। हाँ यार, ये तारा तो तुझसे भी पहले से लड़का ढूंढ रही है। अरे हाँ, तेरा क्या हुआ, कुछ बात बनी? अरे कहाँ, इसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। मैं कुछ बोल रही हूँ, आपने मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख देनी आज। एक्चुअली मुझे ना मेरी पसंद का लड़का नहीं मिल रहा है। लाइक माइंडेडनेस और कंपैटिबिलिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ऑब्वियसली यार, मेरे साथ भी तो सेम प्रॉब्लम आ रही थी, पर मुझे ना किसी ने सही टाइम पे एडवाइस कर दिया। एक्चुअली तो भारत मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल बनाना। मुझे भी तो मिहिर वहीं पे मिले थे। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तू भी लड़का ढूंढ रही है क्या? नहीं, मैं क्यों लड़का ढूंढूंगी। आई लव मायसेल्फ एंड इनफ फॉर मायसेल्फ। अच्छा तो मेरे को सुनने देना क्या बोल रही है वो। हाँ तो मेरे को बता क्या कह रही थी। हर बात पे जवाब, हर बात पे बहस। अगर लड़के ने पलट के जवाब दे दिया होता तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है दीदी। अरे भाभी, अभी वो बच्ची है, वक्त रहते सब समझ जाएगी। बस करो, घिस जाएगा। लो आ गई मैडम, लाओ डब्बा दे दो वरना सुबह तक काई लग जाएगी। खाना खाएगी या बाहर से खा कर आई है? नहीं, कोई डिश की फरमाइश हो तो बन जाएगी। रूम तो कंफर्टेबल है ना, कोई शिकायत तो नहीं है हमारी पीजी से? पीजी? हाँ पीजी ही तो है ये, जब मन करता है तब चली जाती है, रात को आकर सो जाती है, जब सुबह होती है फिर उठकर चली जाती है। पेइंग गेस्ट तो है ना तू? क्या मम्मी, सुबह का गुस्सा उतार रही हो मेरे ऊपर। उस लड़के की बातें सुनी थी आपने? सुनी थी, तेरी भी सुनी थी। बेटा थोड़ा पेशेंस रखा कर, अच्छा लड़का ढूंढना है ना तो हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, वैसे भी मैं अब से ऐसे लड़कों से नहीं मिलूंगी, अपनी पसंद का लड़का मैं खुद चूज करूंगी। अरे बेटा तू कहां से लड़का ढूंढेगी, ब्याह के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है और इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, तू ये सब हम पर छोड़ दे। बुआ आप मेरी बात सुनो, आप ये देखो, ये है भारत मैट्रिमोनी ऐप, मेरी फ्रेंड पलक ने इससे अपना लाइफ पार्टनर चूज करा है, मैं भी इससे प्रोफाइल बनाऊंगी। क्या तू ऐप से लड़का ढूंढेगी? बेटा ब्याह का फैसला ना बहुत बड़ा होता है, ऐसे किसी ऐप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? मम्मी मैं बता रही हूँ ना, आप भरोसा करके तो देखो, अब जमाना ना बदल गया है। भारत मैट्रिमोनी इंडिया की नंबर 1 मैट्रिमोनी ऐप है, लोग 21 साल से इसे यूज कर रहे हैं, इन्होंने लाखों लोगों के रिश्ते कराए हैं, अब इतने सारे लोगों ने इस पे ट्रस्ट करा है तो इस पे कुछ तो बात होगी। अरे हाँ मुझे तो अब ध्यान आया, अरे वो गुड्डू की छोटी लड़की है ना, क्या नाम था उसका, अरे जिसके 12वीं में इससे 4 नंबर ऊपर आए थे। चिल्ली। हाँ उसने भी तो अपने लिए लड़का इसी भारत मैट्रिमोनी से ही देखा था, और भाई वो लड़की भी हीरा, एकदम हीरा, बल्कि अपने तारा से तो ज्यादा होशियार है। घर का काम तो बचपन से ही किया करती थी, नहीं तो तू बता दे आजकल कौन सी ऐसी लड़की है जो घर का काम। हाँ हाँ बुआ ठीक है, चिल्ली ए नंबर 1 कुड़ी है, उसका बायोडाटा लेकर मैं बैठ जाओ। आप ये बताओ लड़का कैसा था? भाई लड़का तो एकदम हीरा था, हीरा। ठीक है तो डन, कल से रैंडम लड़कों से मीटिंग बंद और भारत मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल हंट शुरू, ठीक है? ओके चलो गुड नाइट। तो कल से फोटो खींचे? फोटो देख ये ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, ये कलर तुझ पे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाभी दोनों पहना के खिंचवा लेंगे ना फोटो। बुआ जी पाउडर थोड़ा कम नहीं रहेगा, दीदी का चेहरा किसी पीला पड़ा हुआ है। जा तो एक काम कर, जल्दी से पहले अंदर से पाउडर लेके आ। आज तो काजल लगा ले बेटा। पहले तो तू ये अंगूठी पहन। हाँ। अपने टैटू को छुपा। लगा लगा और ज्यादा लगा। अरे बुआ जल्दी करो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और वैसे भी इसे कितना सजा लो, लगना इसे डाय नहीं है। अपनी शक्ल देखिए, ऐसा लगता है भटूरे में किसी ने आलू भर दिया हो। से चीज। थोड़ा
अंधेरा अंधेरा सा नहीं लग रहा? बेटा थोड़ी सी लाइट बढ़ा दे, देख बच्चे की स्किन ना थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, है? दिखाओ। ये क्या बना दिया आप लोगों ने मुझे? अरे नहीं बेटा, वो चीकू थोड़ी लाइट और ज्यादा डालेगा ना तो स्किन निखर के आएगी तेरी। बुआ चीकू थोड़ी लाइट और डालेगा ना तो मैं CFL का बल्ब लगूंगी। भारत मैट्रिमोनी के लिए फोटो खींचनी है, किसका LED के लिए नहीं? आप लोग छोड़ो, मैं खुद ही ले लूंगी। वैसे भी फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं ओरिजिनल और रियल लगूं। मैं अपने आप भी ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अंगूठी लाओ, रोका करो, ये रिश्ता पक्का करो भाभी। मम्मी 7 बज गए। तो अरे 7 बज गए तो मेरे को जाना है ऑफिस, उठो ना कुछ बना दो। इतनी बड़ी हो गई है भूखे घूमती रहती है, ये नहीं कि खुद बना लो। जल्दी करो, 5 मिनट में निकलना है मेरे को। सॉरी मिलना है? क्यों क्यों? क्योंकि शादी करनी है तो मिलना तो पड़ेगा ना। अरे पहले हम मिलेंगे ना उसके माँ बाप से। कैसी बात कर रही हो मम्मी, पहले मुझे मिल तो लेने दो, मुझे ये तो देख लेने दो कि वो मेरे साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं। एक बार मैं पसंद कर लूं फिर आपको जिससे मिलना है मिलना। रिश्ता होने से पहले ऐसे मिलना अच्छा लगता है क्या? भाभी क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे, देख लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे। चीकू साथ चला जाएगा, सब मिल बैठ के बातें कर लेंगे। चीकू? चीकू क्यों जाएगा? चीकू नहीं तो मैं चल पड़ूंगी। नहीं 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 चीकू ठीक है। तेरी मर्जी है। थोड़ी देर से बंद कर लेगा, तेरे को दिक्कत हो रही है, चल। देखो तमीज नहीं क्या बाहर कैसे बैठते हैं? देखो तमीज नहीं क्या बाहर अपने भाई से कैसे बात करते हैं? हेलो। हेलो हाय। ये मेरे भाई है चीकू। हाय चीकू। दिस वन मिनट ना, वन मिनट। सुन ये ले 100 रुपए, उस कोने में जाके बैठ जा, उधर मत आइयो, समझा? बुआ ने ना 200 रुपए दिए और बोला 1 मिनट के लिए साथ नहीं छोड़ना। यार बुआ ये ले 500, अब चुपचाप बैठ। सॉरी अबाउट दैट, बैठिए ना प्लीज। सो हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू।
आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं लाइफ पार्टनर। जी तकरीबन एक साल हो गया। वो क्या है ना कि राइट मैच मिल ही नहीं पाता और मुझे चाहिए एक फुल टाइम हाउसवाइफ जो मेरा ख्याल रख सके, घर के सारे काम कर सके। पर आजकल की लड़कियों को इन सब में इंटरेस्ट कहाँ। बाय द वे आप खाने में क्या क्या बना लेती है? है? मैं मजाक कर रहा था, पर आप सीरियस क्यों हो गई? एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये मजाक सीरियसली करा है, तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि सारी मेहनत पानी फेर दिया। एग्जैक्टली। तो आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल एक फर्म में कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। थोड़े टाइम प्रैक्टिस के बाद खुद एक फर्म स्टार्टअप करने का प्लान कर रहा हूँ। और आप? सीए। लास्ट ईयर ही प्लेसमेंट हुई है। जैसे ही सब फाइनल हुआ मम्मी ने वेडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। आप वेडिंग अपनी मर्जी से करना चाहती है या मम्मी के कहने पे? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा लेकिन मैं बचपन से ही अरेंज मैरिज के सपने देखती हूँ, तो डिसीजन तो मेरा ही है। बस सही टाइम का वेट कर रही थी और अब सही इंसान का। सही इंसान मतलब? सही इंसान मतलब जो मुझे समझ पाए। मैं एक ओपन माइंडेड फ्यूचर देखती हूँ। रिश्तों में बन कर नहीं रह सकती। अपनी लाइफ मुझे अपने हिसाब से जीनी है, इंडिविजुअली। मतलब आप मैरिज के बाद फैमिली से सेपरेट रहना चाहती हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है, बस मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती हूँ। हम अभी दो अलग लोग हैं, दो अलग पर्सनालिटीज। वेडिंग के बाद मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करना चाहती। मैं वैसे ही कपड़े पहनना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ जैसे मैं अभी करती हूँ। आपको क्या लगता है? आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि शादी करने के बाद लाइफ बदल जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है एक सही लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ बदलता नहीं बल्कि उसमें अपने कलर से ऐड कर देता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं? थोड़ी बड़बोली हो, थोड़ी इनोसेंट, चाहे कितना कड़वा लगे लेकिन सच बोलने से ना कतराती हो, अपनी बात किसी के भी सामने खुल के रख पाए, उसकी नाक पर एक छोटा सा तिल जरूर होना चाहिए, आंखों के पीछे हमेशा गुस्सा रेडी और मिडिल फिंगर पर एक टैटू जरूर होना चाहिए। लड़का कैसा था? बता जल्दी, बता जल्दी बता। फोटो जैसा गोरा था, ये फोटो नकली थी? हाइट लंबी थी या छोटी थी? बता ना, बता 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 जल्दी, बता जल्दी बता। दी आपको पसंद आया ना? बता ना दी, पता जल्दी बता बता। अरे मेरी बन्नो का ब्याह हुआ पक्का, अरे मेरी बन्नो का ब्याह हो गया पक्का, अरे मैं तो भारी साड़ी पहरू, अरे मेरी साड़ी तुझसे भारी, अरे मैं तो लहंगा चोरी पहरू, अरे मैं तो कट स्लिप पहन के नाचू, अरे मैं तो बिकनी पहर के नाचू।
वीडियो बहुत पसंद आई है, तो अभी जाओ जाकर थम्स अप का बटन दबाओ, वीडियो को एक थम्स अप दो, लाइक करो इसको, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था, कौन से पार्ट के साथ आपने सबसे ज्यादा रिलेट करा है। और इस वीडियो के लिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है, 5 बेस्ट कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जो रहेंगे उनको हमारी तरफ से मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। तो गाइज अभी जाओ जाकर कमेंट करो, मस्त मस्त से बढ़िया बढ़िया से कमेंट की पढ़ के मजा आ जाए। और अगर आप भी अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं तो अभी जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भारत मैट्रिमोनी ऐप डालिए एंड फाइंड योर लाइफ पार्टनर, फाइंड देम बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। ओके गाइज सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। प्रमोशन दे रही है? हाँ है।